ओके गाइस, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कस द स्टैट्यूटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके आंसर के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन के मीनिंग के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है। स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब आप सभी को पता है कि इसका मतलब होता है दायित्व, ठीक है ना। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक तरीके से आपके लिए लायबिलिटी होती है। तो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का मतलब होता है लीगल लायबिलिटी, जो कि लीगली करना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आप लफड़े में फंस जाओगे, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, ठीक है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिखा गया है। जब आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन करते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जहां पे बोला जाता है कि आपको ये सारी जो है चीजें आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है कृषानु, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा ओके, सो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का सबसे पहला पॉइंट है डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न्स एज टू अलॉटमेंट, है ना। तो डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न्स एज टू अलॉटमेंट, इफ अ डिफॉल्ट इज मेड ऑन फाइलिंग रिटर्न्स एज टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ही शैल बी पनिशेबल विद द फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग व्हिच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 1 लाख रुपीज व्हिच एवर इज लेस। तो ये बहुत ही बड़ा एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको डिफॉल्ट नहीं करना है, ठीक है। जब भी आप रिटर्न्स दे रहे हो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में जब आप रिटर्न कर रहे हो, तो उस केस में आपको डिफॉल्ट नहीं होना है। इफ अ डिफॉल्ट इज मेड इन फाइलिंग रिटर्न्स एज टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, एक प्रेस्क्राइब टाइम होता है, उस टाइम के भीतर आपको जो है अलॉटमेंट फाइल कर देना है, उसकी जो रिटर्न होती है उसको फाइल कर देना है। इन केस इफ यू मिस टू फाइल दैट थिंग, तो फिर आप पनिशेबल हो जाओ, आपके केस में आप पनिशेबल हो जाओगे, आपको पनिश किया जाएगा। या तो आपको 1,000 रुपए हर दिन के हिसाब से देने होंगे, या तो आपको 1 लाख रुपए एक बार में देना होगा, जो भी कम होगा। सपोज आप 1,000 रुपए पर दिन के हिसाब से, आपने 1,35,000 रुपया आपका टोटल लायबिलिटी बन रहा है, तो आपको पे कितना करना पड़ रहा है, सिर्फ 1 लाख ही पे करना पड़ रहा है, एक जो भी अमाउंट कम होगा, लाख ठीक है। हाँ हाँ ओके, जी सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, डिफॉल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ शेयर डिवेंचर सर्टिफिकेट। तो इस केस में भी आपको एक तरीके से पेनल्टी का टाइप का कुछ होगा जरूर, इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप डिफॉल्ट करते हो, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ शेयर डिवेंचर सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है, उसमें उस काम में भी अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो उस केस में भी क्या क्या चीजें हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। नाउ तो ये थोड़ा टेक्निकल है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन है, तो एग्जामिनेशन में जब भी आप इसका आंसर लिखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें सेक्शन भी मेंशन हो, ठीक है ना। सो एज पर हाँ सेक्शन जी हाँ फिफ्टी सर सिक्स फोर कुछ पूछ रहे हैं हाँ किशानू? नहीं नहीं बोल रहे हो हाँ सर बोल रहे हो ओके ओके, सो एज पर सेक्शन 56(4) द कंपनी शैल डिलीवर द सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल सिक्योरिटीज अलॉटेड ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड, है ना। ट्रांसफर और ट्रांसमिटेड का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था प्रीवियस वीडियोस में, होगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56(4) की बात की जा रही है कि आपको जो है सर्टिफिकेट्स को उसको डिलीवर करना टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिक्योरिटीज अलॉटमेंट की सर्टिफिकेट हो, ट्रांसफर की सर्टिफिकेट हो, या फिर ट्रांसमिटेड की सर्टिफिकेट हो, ठीक है। सो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द केस ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, ठीक है ना। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ आपको ये काम करना होता है, ठीक है, 2 महीने के भीतर ही आपको ये काम जो है करना होगा, जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम उनके लिए, ठीक है, सब्सक्राइबर और होंगे अगर मेमोरेंडम के, तो उनके लिए आपको 2 महीने में करना होगा। विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट मनी ऑफ एनी ऑफ इट्स शेयर्स, ठीक है। अगर आपने कोई भी अलॉटमेंट मनी रिसीव करा है शेयर्स का, तो उसके लिए भी आपको 2 महीने के भीतर ही आपको उसका जो है पेमेंट, आपको आई मीन जो आपको डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है, उसको आपको डिलीवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट बाय द कंपनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अंडर सब सेक्शन 1। अब ये देखो सब सेक्शन की बात हो जा रही है, तो एक सेक्शन के अंदर एक सब सेक्शन है, मतलब सेक्शन 56(4) के अंदर में एक सब सेक्शन 1 है, जहां पे ये बोला गया है कि आपका जो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कंपनी, कंपनी जब रिसीट करेगा, है ना, जब उसके पास वो रिसीव करेगा इंस्ट्रूमेंट जहां पे मेंशन रहेगा कि आपको ट्रांसफर करना है, तो उस रिसीव डेट से 1 महीने के भीतर आपको जो है ट्रांसफर कर देना है, ठीक क्या है। एक रिसीव तरीके से ये करेगा सर? एप्लीकेशन हो रहा है। हाँ बोलिए। एप्लीकेशन रिसीव के बाद बोल रहे क्या? एप्लीकेशन मनी किसानो क्या रिसीव बोल यू रहे आर ऐसे? नॉट हाँ
आपका आवाज ना ठीक तरीके से नहीं आ रहा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का एप्लीकेशन होता है जहां पे आप बोलते हो कि आप मेरे शेयर्स को ट्रांसफर कर दो, राइट? तो ये एप्लीकेशन जब भी कंपनी रिसीव करेगी, उस डेट से, रिसीव करने के डेट से 1 महीने के भीतर तक उसको जो है ट्रांसफर कर देना है, जो सर्टिफिकेट है उसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है? एज द केस मे बी द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर ट्रांसमिशन अंडर सबसेक्शन 2 इन द केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, तो दोनों केस में, ठीक है, सबसेक्शन 1 में ट्रांसफर की बात की जा रही है और सबसेक्शन 2 में ट्रांसमिटिंग की बात की जा रही है, ट्रांसमिशन की बात की जा रही है, तो दोनों केस में जब भी कंपनी रिसीव करेगी, रिसीव करेगी उसी टाइम पे, उस दिन से लेकर के मतलब 1 महीने के भीतर तक उन लोगों को सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर देना होता है, ठीक है? डी नंबर पॉइंट है, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, तो अगर डिवेंचर का अलॉटमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो डिवेंचर का अलॉटमेंट जब हुआ उस डेट से लेकर के 6 महीने के भीतर आपको सर्टिफिकेट भेज देना है। आपने सपोज डिवेंचर खरीदा और डिवेंचर खरीदने के बाद जब जब आपने खरीदा उसके मतलब आपका अलॉट हो गया डिवेंचर, उस डेट से लेकर के आने वाले 6 महीने के भीतर तक आपको जो है आपका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर जो कंपनी सेक्रेटरी है वो पनिशेबल एक तरीके से ऑफेंस के केस में आ जाएगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा रीड नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कर ही देता हूँ, छोड़ो। वेयर द सिक्योरिटीज आर डील्ड विद द डिपॉजिटरी, द कंपनी शैल इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू डिपॉजिटरीज इमीडिएटली ऑन अलॉटमेंट ऑफ सच सिक्योरिटी, ठीक है? तो किसी भी तरह की सिक्योरिटी हो, चाहे वो डेट सिक्योरिटी हो या फिर इक्विटी हो, आपको दोनों केस में अपने डिपॉजिटरी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने डिपॉजिटरी को इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं करते हो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिपॉजिटरी कौन डिफॉल्ट है होता है, द कंपनी सेक्रेटरी एज एन सर? ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच शैल नॉट लेस देन द 10,000 रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56(6), ठीक है ना? तो अगर ये चीजें एज ए कंपनी सेक्रेटरी कोई नहीं करता है तो उस केस में या तो उसको मतलब उसको 10,000 रुपया तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा उसको 1 लाख रुपए तक का पेमेंट उसको करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 56(6). सर क्लियर? आगे डिपॉजिटरी बढ़ते हैं। कौन है सर? यहाँ पे जो बोला है सर डिपॉजिटरी जो बोला है ऊपर के जो पॉइंट में ऊपर के स्टेंजा में सर, डिपॉजिटरी यहाँ पे एनएसडी और सीडीएसएल की बात की जा रही है। देखो जब भी आपको कोई चीज अलॉट होता है ना तो वो आपके अकाउंट में होता है। जैसे पहले मैंने बताया था कि पहले शेयर सर्टिफिकेट वगैरह मिलता था, लेकिन अभी सारा चीज जो है वो डिजिटल हो गया है, सारा चीज ऑनलाइन है, ठीक है ना? तो वो इंटीमेट करना पड़ेगा आपको, अपने डिपॉजिटरी को बताना पड़ेगा कि आपने शेयर अलॉट कर अच्छा दिया है, अच्छा अच्छा ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना डिसीजन मतलब जो भी उसको स्टेप लेना है वो उसके अकॉर्डिंग वो कर सके, हाँ ठीक जी है? समझ गया सर, समझ। ओके। हाँ डिफॉल्ट रिगार्डिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर डिवेंचर होल्डर ईटीसी, तो आप अगर फेलियर करते हो, आप अगर डिफॉल्ट करते हो अपने मेंबर और डिवेंचर होल्डर के जानकारी को एक तरीके से इकट्ठा करने में, तो भी आप एक तरीके से पनिशेबल ऑफेंस में आ जाओगे। सो फेलियर विल मेक कंपनी सेक्रेटरी इफ ही इज इन डिफॉल्ट पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जो अमाउंट है उसकी बात की जा रही है। तो अगर आप डिफॉल्ट करते हो रिगार्डिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आपके पास जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है या डिवेंचर होल्डर्स का जो आपके पास रजिस्टर होगा उसमें अगर आप डिफॉल्ट करते हो, मतलब कोई जानकारी अगर आप पुट अप करना भूल जाते हो या गलती से नहीं करते हो, तो उस केस में आपको 50,000 रुपए तक का टैक्स पे आपके ऊपर पनिशेबल एक तरीके से अमाउंट लगाया जा सकता है, जिसकी जिसको एक्सटेंड करके 3 लाख रुपए भी किया जा सकता है। जितना सिवियर आपका प्रॉब्लम होगा, जितना सिवियर आपका सिचुएशन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक तरीके से चार्ज किया जाएगा, ठीक है? किस एंड वेयर गलती द की बात कर फेलियर रहा इज है सर, किस कॉन्टिन्यूइंग वन, गलती की? अरे जी यहाँ पे कौन सी गलती की बात कर रहा है सर, समझा आवाज नहीं आई। कौन सा गलती होने से सर ये फाइन लगेगा बोला? कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे केस में हाँ कंपनी तो सेक्रेटरी की बात हो रही है, ठीक है? ये कंपनी सेक्रेटरी का एक्चुअल एक्चुअली ये लीगल उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उसको डिस्चार्ज करना होता है। अगर वो नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है? फर्दर अच्छा यहाँ पे एक और बात बोली जा रही है कि अगर ये प्रॉब्लम, ये फेलियर अगर कॉन्टिन्यूअस रहा, अगर आपने उसको तुरंत ठीक नहीं किया और आने वाले समय में ये कॉन्टिन्यूअस रहा, तो आपको 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से भी आपको पे करना पड़ेगा आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग द फेलियर कंटिन्यूज।
है ना, तो पहली बार जब पता चला था कि फेलियर कंटिन्यूअस मतलब हुआ है, फेलियर हुआ है उस टाइम से लेकर के जब तक आप उसको ठीक नहीं कर देते हो, ठीक है ना, ये तो ऊपर का जो फाइनेंस हो तो है ही, प्लस जब तक आप ठीक नहीं कर देते हो तब तक आपको 1,000 रुपीज पर मंथ भी दे मतलब पे करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट है डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग चार्जेस, है ना, तो जो पर्टिकुलर्स है चार्जेस का, जो भी चार्जेस आप कर रहे हो, जो भी चार्जेस आप लगा रहे हो किसी भी शेयर होल्डर के ऊपर, या फिर किसी भी तरह की चीज के ऊपर, किसी मेंबर के ऊपर, या किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी है, आई मीन चार्जेस से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी है जो कि आपको अपने पर्टिकुलर्स में शो करना है, पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है आप उसको वहां पे लिखते हो, ठीक है ना, तो वहां पे अगर आपका कोई डिफॉल्ट होता है, अगर आप फाइल नहीं करते हो किसी भी तरह के पर्टिकुलर को रिगार्डिंग द चार्जेस, तो भी वो पनिशेबल ऑफेंस में आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, इफ अ हाँ डिफॉल्ट इज मेड इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रर द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट विच इंक्लूड्स अ कंपनी सेक्रेटरी शैल बी पनिशेबल। तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही पनिशेबल नहीं होगा, बल्कि हर एक हाँ ऑफिसर जो कि उस काम से रिलेटेड होगा उन सबको एक तरीके से हाँ पनिश किया जाएगा विद इंप्रिजनमेंट, बाप रे, जेल में डाल दिया जाएगा फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंडेड टू 6 मंथ, जो कि 6 महीने तक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आपको जेल हो अच्छा जाए और आपको 6 महीने तक का हाँ जेल हो सकता है, और विद फाइन, या हाँ फिर तो आपको फाइन लगाया जाएगा विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, जिसका अमाउंट जो है 25,000 रुपए से कम नहीं हो सकता, लेकिन वो अमाउंट बढ़ हाँ करके 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है अंडर सेक्शन 86, 86 हाँ ठीक है, या तो आपको जेल होगा या तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, या तो दोनों हो सकता है, जेल भी हो सकता है फाइन भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86, ये मतलब बात यहाँ पे बोली गई, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ, 1 मिनट जस्ट। ओके तो फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा डिफॉल्ट रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है ना, तो आप अगर नाम कंपनी का एक तरीके से पब्लिकेशन, उसके नाम में नाम के पब्लिकेशन में अगर आप किसी तरह का डिफॉल्ट करते हो, अगर आप नहीं करते हो कुछ नाम में कुछ इधर उधर कर देते हो, प्राइवेट की जगह पे पब्लिक कंपनी लिख देते हो, या बिजनेस यहाँ पे देखो लेटर्स की भी बात हो रही है, तो उस तरह के चीजों में भी आपको जो है एक तरीके से पनिशेबल ऑफेंस वो कहलाता है। सो इफ अ डिफॉल्ट इज मेड इन गेटिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी प्रिंटेड, ठीक है ना, आपने प्रिंट करवाने के लिए दिया, उसमें भी अगर आपने अपने कंपनी का ठीक तरीके से नाम और एड्रेस ठीक तरीके से नहीं लिखा या उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन नहीं करा, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। और प्रिंटेड आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंटेड ऑन ऑल बिजनेस लेटर्स बिल हेड्स ईटीसी कंपनी सेक्रेटरी इफ इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। तो ये बंदा एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, अगर हल्की सी भी मिस्टेक होती है कहाँ कहाँ पे, हर एक जगह पे, चाहे वो कंपनी का सील हो, चाहे कंपनी का सपोज बिजनेस लेटर है, कोई बिल है, कोई हेड है, किसी भी तरह की चीज में, हेड मतलब यहाँ पे सर की बात नहीं हो रही, हेड मतलब किसी भी एक तरीके से लेटर के हेड की बात हो रही है कि लेटर हेड है या किसी भी तरह का मतलब एक चीज है, उसके ऊपर अगर आप आपकी कंपनी का है और आपकी कंपनी का अगर नाम वहां पे मेंशन नहीं है, उसका एड्रेस वहां पे मेंशन नहीं है, तो उसके लिए पेनल्टी कौन पे करेगा, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी पेनल्टी पे करेगा 1,000 रुपए पर डे, या तो आ, आ, आपके 1 लाख रुपए तक, ठीक है ना, जो भी कम होगा। अच्छा सेक्शन 12 कृषाणु याद कोशिश करना है कि सेक्शन भी आप मेंशन करो, ठीक है, डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, तो एनुअल रिटर्न्स फाइल करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, साल भर का जो भी रिटर्न्स होगा, जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न होता है वैसे ही कंपनीज का भी रिटर्न फाइल होता है, तो उस केस में अगर आप एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में डिफॉल्ट कर जाते हो तो उस केस में भी कंपनी आप ही को दोषी ठहराएगी और आपके ऊपर जो है पनिशेबल एक तरीके से ऑफेंस वो होगा और आपके ऊपर जो है चार्जेस किया जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चार्जेस बता दे रहा हूँ, चार्जेस यहाँ पे रहेगा एनुअल रिटर्न क्या है सर? 50,000, सॉरी बोलिए, बोल रहा था कौन सा एनुअल रिटर्न, वो जो मतलब अकाउंट्स का एनुअल रिटर्न है या क्या है एनुअल रिटर्न जो देखो बोला कंपनी गया? मोस्ट ऑफ द कंपनीज को ना कृष्णा जीएसटी फाइल करना पड़ता है, ठीक है, वो डेली करना आई मीन हर महीने का करना पड़ता है और एक एनुअली भी करना पड़ता है, देखो डेली भी आई मीन मंथली करना पड़ा, फिर वो लोग क्वार्टरली भी करते हैं और फिर लास्ट में जाकर के वो लोग एनुअली भी करते हैं, तो एनुअल रिटर्न्स की बात हो रही है कि एनुअल रिटर्न्स अगर आप सही टाइम पे फाइल नहीं करते हो डिफॉल्ट कर जाते हो तो उस केस में आपको 50,000 रुपए तक देने पड़ेंगे,
जो कि ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत ही भयंकर पनिशेबल ऑफेंस है जो कि कंपनी सेक्रेटरी को बेयर करना पड़ेगा अगर उसने ऐसी कोई गलती की तो। ठीक है, हाँ सर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिफॉल्ट इन होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। तो इसके बारे में मैंने बताया है कि हर कंपनी अब पूरे साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको एजीएम बोलते हैं, वो ऑर्गेनाइज करती है, राइट? तो इन केस हाँ अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हो या नहीं करते हो किसी भी रीजन से, है ना, तो उस केस में वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस में आ जाएगा। अब ये ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी की है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे हाँ लोगों की होती है, तो सबके ऊपर आई थिंक चार्जेस होगा। बट कंपनी सेक्रेटरी को क्या चार्जेस पे करना पड़ेगा देख लेते हैं। जहां पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 to 98, ही शैल मेक हिम लायबल टू अ फाइन व्हिच मे एक्सटेंडेड टू 1 लाख रुपीज एज इन द केसेस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट। अगर लगातार ये डिफॉल्ट काफी दिनों तक रह गया तो आपको 1 लाख रुपए तक का जो है आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है, विद अ फर्दर फाइन व्हिच मे एक्सटेंडेड अप टू 5,000 रुपीज पर डे फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूज, है ना। तो 5,000 रुपए पर डे भी आपको पे करना पड़ सकता है इन एडिशन टू 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए तो आपको फाइन पे करना ही पड़ेगा, उसके अलावा अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है ना, जब भी आपके आपको पता चला कि डिफॉल्ट हुआ है तो उस टाइम पे आपको फाइन पे करना पड़ा, लेकिन स्टिल अगर आपने उस डिफॉल्ट को ठीक नहीं किया, कॉन्टिन्यूस करता रहा, तो उस केस में आपको जो है पर डे 5,000 रुपीज पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99। ओके, काफी सारे पॉइंट्स है भैया, बहुत सारे बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर कर लेंगे के करके। अगला है डिफॉल्ट इन सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। ठीक है, सो मेंबर्स रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कुछ कुछ रिजोल्यूशंस निकल करके आते हैं। यार एजीएम में रिजोल्यूशंस निकल करके आते हैं कि आज हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, इस साल हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, तो इस प्रॉफिट में पर शेयर जो भी लोग होल्ड करेंगे उसके लिए हम इतना इतना हम उसको जो है डिविडेंड देंगे, ठीक है, या कंपनी जो है आपसे 2 दिन के लिए छुट्टी लेगी, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि कंपनी की मीटिंग होती है, वहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं ऑन द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। तो जो भी रिजोल्यूशन होगा वो रिजोल्यूशन आपको सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करना होगा, सारे मेंबर्स को बताना होगा। अगर आप नहीं बताते हो तो आपका ये पनिशेबल ऑफेंस है और यहाँ पे आपको 25,000 रुपए तक का आपको एक तरीके से जुर्माना भरना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111। याद रहेगा, आसान है। आगे हाँ, चलते हैं, 25,000। डिफॉल्ट रजिस्टरिंग सर्टेन रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स। तो कुछ सर्टेन रिजोल्यूशन या फिर वही चीज है, ठीक है ना, डिफरेंट कुछ नहीं है, लेकिन सर्टेन का मतलब हो गया एक तरीके से जो कि बहुत ही जरूरी है, आप बोल सकते हो जो कि होना ही होना है। अगर आप उस चीज को नहीं मेंशन करते हो तो आप और ज्यादा मुसीबत में फंसोगे, ठीक है। तो कुछ सर्टेन रिजोल्यूशंस होती हैं जिनको मेंशन करना, जिसको सर्कुलेट करना या रजिस्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस रिजोल्यूशन को अगर आपने मेंशन नहीं करा अपने अपने जो भी आप ड्राफ्ट तैयार करोगे उस चीज में, तो उस केस में आपको फाइन पे करना पड़ेगा, और वो फाइन होगा शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच मे एक्सटेंडेड टू 5 लाख रुपीज, ठीक है ना। जहां पे आपको 1 लाख रुपया तो मिनिमम आपको पे करना ही है, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 लाख रुपए भी पे करने पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117, ठीक है। नाउ डिफॉल्ट इन रिकॉर्डिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब देखो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब क्या है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब होता है कि मीटिंग के दौरान जो भी चीजें हो रही हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हुई उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है ना। तो वो रिकॉर्ड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो तो फिर आपको 5,000 रुपए का जो है जुर्माना आपको पे करना पड़ सकता है अपॉन एन ऑफिसर इन विच इन डिफॉल्ट विच इंक्लूड्स कंपनी सेक्रेटरी सेक्शन 118। तो यहाँ पे मिनट्स रिकॉर्ड करने का काम सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों का होता है, तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस काम के लिए उनको भी 5,000 पर डे जो है पे कर आई मीन 5,000 का फाइन पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी को भी पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118, ठीक है। मिनट रिकॉर्ड मतलब सर कॉपी पे रिकॉर्ड करना, कॉपी या पे रिकॉर्ड करना बोल रहे हैं, उनका जो कॉपी रहेगा उस पे रिकॉर्ड करना है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग या कॉपी पे रिकॉर्ड करना होगा सर, यहाँ रिकॉर्ड पे जो है फिजिकल फॉर्म मिनट में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की मतलब। बात हो रही है, और वीडियो रिकॉर्डिंग तो वो होती ही है, वीडियो रिकॉर्डिंग तो जनरली की जाती है, बट यहाँ पे मेनली मिनट्स कॉपी में मतलब फिजिकल फॉर्म में रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वो रिकॉर्डिंग करना इम्पोर्टेंट बहुत चीज को, इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको 5,000 का पेमेंट भी करना पड़ सकता है।
Now, default in maintaining minute book or allowing inspection or furnishing copies of the minutes to the members, है ना? तो यही मिनट बुक के बारे में ही बात हो रही है कि अगर आपको आपने मनी मिनट बुक मेंटेन ही नहीं करा, आपके पास मिनट बुक होना चाहिए. अगर आपने मिनट बुक सपोज मेंटेन ही नहीं करा या उसमें कोई इंस्पेक्शन होने वाला है, आपने इंस्पेक्शन के लिए देने के लिए मना कर दिया या आपने इंस्पेक्शन अलाउ नहीं किया, आपने बोला कि नहीं मैं इंस्पेक्शन नहीं होने दूंगा, इसमें कुछ गलतियां हैं तो मैं नहीं होने दूंगा उस केस में, या अगर जो जो मिनट्स की कॉपी है ये आपको सारे मेंबर्स को देनी पड़ती है, आप अगर नहीं दे पाओगे तो उस केस में आप क्या होगा, आप लायबल हो जाओगे 5,000 रुपीज पे करने को लेकर के. ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे देख लो, फर्निशिंग अ कॉपी ऑफ द मिनट्स विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर द डेट ऑफ रिक्वेस्ट बाई एनी मेंबर. कोई मेंबर अगर रिक्वेस्ट करता है कि इस मीटिंग का मिनट्स मुझे चाहिए, तो उस रिक्वेस्ट के आप जब एप्लीकेशन रिसीव करोगे उस रिक्वेस्ट के 7 दिनों के भीतर आपको जो है उसकी कॉपी जो है, मिनट्स की कॉपी जो है आपको शेयर करनी है अपने मेंबर के साथ. अगर आप नहीं करते हो तो 5,000 रुपीज आपको फाइन पे करना पड़ेगा. क्लियर? और अगर रिक्वेस्ट ना करे तो ना करने से भी हो जाएगा क्या? अगर ये कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा बिल्कुल या बिल्कुल. नहीं रिक्वेस्ट नहीं करने से ही कंपलसरी देगा? नहीं है. देखो इन जनरल मिनट्स शेयर कर देना चाहिए, बट अगर किसी मेंबर के पास किसी कारण से नहीं गया या आपने सपोज इसको जरूरी नहीं समझा और किसी मेंबर ने कहा कि भाई मुझे तो चाहिए, और 7 दिनों के भीतर अगर आप नहीं देते हो तो फिर आपको 5,000 लगेगा. ठीक है, देखो अच्छा कंपलसरी यहाँ पे हाँ अगर ये बोला जा रहा है कि मेंबर को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है. क्लियर बात? लेकिन इन जनरल देखा जाता है कि मिनट्स को सारे मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया जाता है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो. किसी को अगर रिकॉल करना रहे कि मैंने ये बात बोला था, हाँ उसने वो बात बोला था, तो वो तुरंत कर पाएगा विद द हेल्प सर ऑफ दैट थिंग, है ना, मिनट्स हाँ बुक. हाँ तो वो सर चीज, तो उस केस में भी 5,000 रुपीज जो है आपको पे करना पड़ेगा. फेलियर टू गिव नोटिस टू बोर्ड्स मीटिंग, कोई बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, आपने वहां पे नोटिस देना था, आपने नोटिस दिया ही नहीं, आपने नोटिस इशू नहीं करा और मीटिंग स्टार्ट हो गई, तो बहुत सारे लोग क्या होंगे कि नहीं आ पाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा बिकॉज आपने नोटिस नहीं दिया था. तो उस केस में भी वो पनिशेबल ऑफेंस में आएगा. ठीक है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ना, जिसमें आपको 25,000 रुपीज जो है देना पड़ सकता है एज ए पेनल्टी अंडर सेक्शन 173. ठीक है ना, और जो नोटिस का डिलीवरी होगा वो बाई हैंड होना चाहिए या फिर बाई पोस्ट होना चाहिए या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू होना चाहिए. किसी भी जरिए से आपको नोटिस इशू करना है, भले वो बंदा आए ना आए, नोटिस इशू होना चाहिए. ठीक है, अगला पॉइंट है फेलियर टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजेरियल पर्सनल एंड देयर शेयर होल्डिंग, है ना. तो आप एक तरीके से रजिस्टर मेंटेन करते हो अपने डायरेक्टर्स का, की मैनेजेरियल पर्सन्स का और उनके शेयर होल्डिंग का, कि उन्होंने कितना कितना शेयर होल्डिंग करके रखा हुआ है. अगर आप उस काम को करने में फेलियर होते हो, अगर आप उस काम को नहीं कर पाते हो किसी भी कारण से या नहीं करते हो, तो आपको जो है चार्जेस पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा, जो कि 50,000 से कम तो वो हो ही नहीं सकता चार्जेस, और ज्यादा से ज्यादा आपको 5 लाख रुपए तक का भी पेमेंट करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172. ठीक है, कंपनी के जो मेन डायरेक्टर्स हैं, आई मीन जो डायरेक्टर्स हैं, उसके जो मैनेजेरियल पर्सनल है जो उस कंपनी को मैनेज करते हैं, और उनकी शेयर होल्डिंग, उनके पास कितना शेयर है, इसका आपको रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया. नाउ फेलियर टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट. तो इंटर कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया, कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से लोन ले रही है, तो वो इंटर कंपनी एक तरीके से होगा. ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट होगा कि एक कॉर्पोरेट कंपनी दूसरे कॉर्पोरेट कंपनी से लोन ले रही है या इन्वेस्टमेंट ले रही है, या आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस चीज में आपको, आपके पास एक रजिस्टर होगा जिसमें आपको इन सारी चीजों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि आपने इतना का लोन इस कंपनी से लिया, उतना का लोन इस कंपनी से लिया, इतने रेट पे लिया, इतना मुझे वापस करना है, वगैरह वगैरह, प्लस आपने किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है ना. इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे करनी बहुत जरूरी हो जाती है, बहुत मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर आप ये नहीं करोगे तो कंपनी कभी भी डूब सकती है. ठीक है ना, लोन्स के बारे में जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए यहाँ पे देखो बोला गया है दैट इट इज अ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे कहा गया, फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंडेड टू 2 ईयर्स. देख लो, वहां 6 महीने के लिए जेल में डाल रहा था, यहाँ आपको 2 साल के लिए जेल में डाल देगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज बट विच मे एक्सटेंडेड टू 1 लाख रुपीज. तो यहाँ पे पैसा का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 2 साल का इंप्रिजनमेंट का वैल्यू है. 2 साल तक आपको जेल में डाल दिया जाएगा सिर्फ ये काम करने के लिए, अगर आपने रिकॉर्ड करके नहीं रखा तो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 186.
ओके सो अपार्ट फ्रॉम द अच्छा ये सारे जो लाइबिलिटीज मैंने आपको बताई है ये सारी लीगल है, ये लीगल है, अगर आप नहीं करते हो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है बचने का, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल और लाइबिलिटी सर अब क्या कौन होती है, देखेगा सर, ये लॉ कौन देखेगा। अब देखेगा? देखो सपोज आपने कोई गलती करी, ठीक है ना, हाँ जैसे ही आपकी गलती पकड़ी जाएगी, अगर आपने कुछ गलती करी है तो फ्यूचर में वो पकड़ा जाता ही है, तो जब भी पकड़ी जाएगी उसी टाइम पे आपको फिर पेनल्टी कर दिया जाएगा, उसी टाइम पे आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हो और डिले करते हो या अपने आप गलती को आप सुधारते नहीं हो तो फिर वो पर डे का जो चक्कर है वो लगा रहेगा, ठीक है। ओके कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी की अगर बात करें, सो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी में सबसे पहला क्या हो जाएगा, ही शैल बी लाइबल फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू द कंपनी बाई विलफुल नेग्लेक्ट और नेग्लिजेंस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। अगर वो अपने काम को ठीक तरीके से नहीं करता है या नेग्लिजेंसी दिखाता है अपने काम को लेकर के, जिसके कारण से कंपनी को किसी तरह का लॉस या फिर डैमेज होता है, तो वो उस केस में वो उस चीज के लिए लायबल होगा, ठीक है, उसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। दूसरा है ही शैल बी पर्सनली लायबल इफ 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 ही एक्ट्स बियॉन्ड हिज अथॉरिटी। अगर वो उसके पास जो अथॉरिटी है जो अधिकार है अगर वो उससे ज्यादा एक्ट करने की कोशिश करता है, देखो उसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो अगर अथॉरिटीज के बियॉन्ड जाकर के काम करता है, जितनी उसकी अथॉरिटी है उससे ज्यादा अगर वो काम करता है तो वो भी एक तरीके से लायबल हो जाएगा कंपनी को पे करने को लेकर के, अगर कंपनी को किसी भी तरह का लॉस या फिर डैमेज हुआ तो, ठीक है। ही शैल बी लायबल टू अकाउंट फॉर द सीक्रेट प्रॉफिट्स मेड बाय हिम बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन एज अ सेक्रेटरी। अब सपोज कोई कंपनी सेक्रेटरी है, वो चोरी छिपे जो है पैसे छुपा रहा है, अब उसके प्रॉफिट कर रहा है सीक्रेट प्रॉफिट, अपने नाम पे जो है वो पैसे निकाल रहा है कंपनी से और बाद में पता चला कि ये चोरी कर रहा था, एक तरीके से कंपनी में सीक्रेट प्रॉफिट्स निकालना मतलब इट्स अ काइंड ऑफ थेफ्ट है ना, स्टीलिंग, स्टील कर रहे हो आप मनी, तो उस केस में आप लायबल हो जाओगे। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है, मतलब ऐसा आपको नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा जहां पे ये सारा मेंशन होगा और आपको साइन करना पड़ेगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें हो गई। ही शैल बी लायबल टू इंडेमनीफाई द कंपनी फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय द कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडेमनीफाई मतलब एक तरीके से लॉस ऑफ इंडेमनिटी होता है, लॉस जो कंपनी का होगा उसमें अगर आप मतलब ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपनी, अगर आपने कोई ऐसा चीज डिस्क्लोज कर दिया किसी और कंपनी के सामने जो कि आपकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी था, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है, अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपने किसी के साथ शेयर कर दिया जिसके कारण कंपनी को लॉस हुआ, तो भी आप लायबल हो जाओगे, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, उनको मनाही होती है कि आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है, कोई भी टेंडर का अमाउंट नहीं बताना है किसी को, कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स है वो किसी के सामने डिस्कस नहीं करने हैं, है ना, इस तरह की चीजें। तो ये एक तरीके से ना उनको शपथ दिलाया जाता है कि भाई ऐसा तुम नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मतलब है कि शपथ दिलाना। पांचवा नंबर पॉइंट है, ही शैल बी लाइबल फॉर एनी फ्रॉड और रॉन्ग डन टू द कंपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर किसी भी तरह का फ्रॉड कंपनी के साथ होता है या कंपनी के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए डायरेक्टली लायबल कौन होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।